सारे मेरी फतेह प्रवान करो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। लगभग 3 महीनों दे अरसा हो चुलिया बेटे नूं गए नूं, और तुहाडा जिहड़ा हमदर्दी का सलाब है वो हाले तक भी कोई फर्क नहीं पिया, और जिस तरह के हालात है फर्क पैना भी नहीं चाहिए। थोड़ी आवाज कर। हेलो हेलो, क्योंकि जे मैं पिछले 90 दिनों का हिसाब किताब देखते हैं, कम चलता रहा जस्टिस का, पर स्पीड बड़ी मिठी। हुण आपां जस्टिस कहीए जिहनूं, जे तां वो शूटर ही अपना जस्टिस है, तो 2 मारे गए, 1 फड़ना रह गया, 3 बाहर बैठे। पर मैनू लगता नहीं इस गल तो भी कोई अपनी सैटिस्फैक्शन वाली गल कोई हो सकती है। अपना परिवार वड्डा सी, शुरू के बिच मैं सोचता सी ये गल भी जे मैं हरी झंडी देती हालात काबू तो बाहर ना हो जाए, जिमें कि मैं दिल्ली वाले संघर्ष का वेख्या सी, वो जो शुरू होया, शुरू तो आप कर लिया, पर मुड़के खत्म होने वेले संगत का रोह इन्ना ज़्यादा हो गया सी भी वो कहते कुछ ना कुछ करके जावे, इस करके उधर रिजल्ट मिले। फिर मैनू भी इस तरह का खर्चा सी, भोग के मौके के उत्ते भी पब्लिक के बीच गुस्सा बहुत ज़्यादा है, कोई अपना छोटा जा इशारा किसी का नुकसान ना करा दे, इन्नी भीड़ को काबू करना भी औखा हो जाता है। तो मैं संजम वरत्या, जिन्ना कुछ मुंडे जथेबंदियों के आगू भी मैनू मिले, पर मैं सारे नूं हथ बन के कही भी ये समा नहीं है, नुकसान बहुत वड्डा है, पर आप फिर भी संजम तो कम लवेंगे। आप एकदम कोई ये हाथों से समझ आने वाली गल नहीं है, आप सरकार की नीयत वेखांगे भी कुछ करके राजी है जा टाल मटोल की नीति करके अगले इलेक्शन वास्ते किसी होर चेहरे की फोटो लभदे है। ये चीज़ा करके मैं थोड़ा जा कह लो भी सियाणप वाले पास नूं चलिया भी, चलो जिहड़ा हो गया वह तो हो गया, पर आप भरोसा करिए एक बार समा देिए सरकार नूं, और आप समा देता भी 90 दिन हो गए पूरे। पर मेरी थोनों एक सारे ने चरणों में बेनती है भी कमर कसे कस लो मने, आप जस्टिस वास्ते कोई ना कोई हमला मारना पैना है। मैनू नहीं लगता भी सरकार या सेंटर कोई अपने इस उजाड़े दे उत्तों कोई ज़्यादा डरी हुई है या कुछ नहीं लगता। हर एक लगता भी वहाँ कलाकार मर गया, कोई गैंगवार का हिस्सा कह रहे, कोई कुछ कह रहा है, अपनी गैंग वीरों का दी है। आपां तां 5-7 किलों वाले बट्टा घड़न वाले आम किसान हैं यार, पर एक जे जवाक गलती ना अपना कामयाब हो गया, आपां गैंगा तो की लेना है। गैंगा के बिच तो वह बंदा जाऊगा बाई जी जिन्हें पैसे कमाने हैं, ठगियां मारनियां, तो जिहड़े जवाक नूं 1 नंबर का 1 करोड़ रुपए का शो मिल रहा है 1.5 घंटे का कम करके, यार वह कादे लई दूसरा गलत रस्ता चुनूगा, जिन्हों परमात्मा सीधे हाथ नाल ही मूँह मंगे पैसे दे रहा है, वो गलत रास्ता बच्चा क्यों चुनूंगा। मेरी एक तो सब तो वड्डी लड़ाई ये है, कोई बंदा साबित कर दे इस गल नूं भी मेरे जवाक ने किसी गैंगस्टर दे नाल संबंध सी, मेरे जवाक ने कदे किसी दे लफड़ तक भी मरवाया होवे, मैं जिम्मेवारी लूंगा, मैं उहदा वारस हां, मैं उहदा हर एक खमियाजा उहदी हर एक सज़ा भुगतण नूं तैयार। पर आपां नूं थोड़ा जिहा तकड़े होना पैना। मैं तुहाडे सारयां दे चरणां 'च इक ही बेनती करदा, तुसी जिहड़े जिहड़े भी पिंडां तों आए हो, तुहाडे क्लब ने, तुसी सिद्धू नूं आपदे भरा नूं प्यार करदे हो, तुसी इकट्ठे हो के आपदी राय करो, तुसी कैंडल मार्च कढो आपो अपने पिंड जिथे भी तुसी बैठे हो, दूर नेड़े जो भी है। अगले हफ्ते मैं अज दे प्रोग्राम ते मतलब यही गल मैं दसनी भी चाहुंदा इस गल दी भी असी चुप करके नहीं बैठांगे, सानू सड़कां ते आउणा पैणा है, पर असी फिर भी गुकाह नहीं वरतांगे, इहदी जिम्मेवारी गौरमेंट नूं लैणी पऊगी। आप क्योंकि
गोली चलाउन वाले बंदे सारे लगभग पुलिस की कस्टडी आ चुके ने, जां एक दा बाकी है, उहदे तों मैनूं कोई ये नहीं है कि उहनूं शर्ता जां फड़ लिया। मैं उन्हां बंदियां ते कार्रवाई चाहुंदा जिन्हां ने मेरे बच्चे दे चार साल उहदी रातां दी नींद खराब करके रखी, उहनूं कम नहीं करन दित्ता। जिवें तुसीं अपने एक दो पत्रकारां ने वीरां ने अपने अज एक रितेश लक्की जी दी रिपोर्ट भी मैं सुनी है सवेरे, और उस तों बाद राजपाल भाई दी भी एक रिपोर्ट सुनी, उहदे विच सारिआं ने बखूबी सारीआं गल्लां नूं बरीकी नाल उहनूं समझाउण दी कोशिश कीती। मैं मोटा मोटा उन्होंने ये सारी गल जानकारी दी। जिस दिन सिद्धू ते हमला होंदा है, इन्हां लोकां ने फ्लाइटां फड़ लिया, सारे जाके कोई कितने मनाली घूमता फिर, कोई विदेशों घूमता फिर, स्नैपचैट एक दुनिया होर पाँदे, मैं इस गल का सारा इलम है, सारे बाहर है दिखाते अपने आप इंडिया। इन्हां लोगों के उत्ते कार्रवाई होनी चाहिए है, ये हूँ तक घेरे च लै लेने चाहिए सीगे। मैं जो एक दो बारी पुछ गिछ की बुलाया तो फिर ढिल जी दे रखी है गवर्नमेंट ने, पर मैं चाहना ये सारे बंदे सलाखा के पिछे होने चाहिए है, पूरी सख्ती नाल जिहड़ा इहनां दा ट्रायल होना चाहिए है। जे सरकार करे, मैं हाले भी उम्मीद रखता, मेरी उम्मीद मैं अगले हफ्ते तक फिर ये कि आप गल मैं देखना उदों चिर आप कैंडल मार्च करा जिते कितने भी तुम कर सकते। सारे कलाकार भाईचारे को बेनती करना, मानजोग मुख्यमंत्री साहब भी साढ़े किते जुड़े हुए हैं, उन्हां तो वध साडी तकलीफ नूं कोई नहीं समझ सकता। जे हाले भी इस गल नूं मिट्टी घट्टे च पाउण दीआं गल्लां हो रहीआं ने, जां आपे दो चार दिनां दे विच हालात नॉर्मल हो जाणगे फिर रोणा तो आई अपने पल्ले, आपां रोह धो के चार दिन अपने घरे बह जाएंगे। बाहरों NRI सारे भीर फोन कर करके पुछते भीर असीं की कर सकते हो, मैं उन्हां नूं यही बेनती करी है, तुसीं अपना दबाव पाओ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਿਪਲੋਮੇਟ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜੋ ਲਾਅ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕਰੋ, ਧਰਨਾ ਕਰੋ, ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਥੋਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੜ ਗਏ ਕਿਤੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੂਡ ਵੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਮਿਲਦੀ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਰੋਏ ਤੋਂ ਤਾਂ ਵੀਰੋ ਮਾਂ ਵੀ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾਉਂਦੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਚੀਕ ਤਾਂ ਮਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੋਣ ਧੋਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੀ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੂਵ ਔਨ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਇੰਨੀ ਵਾਰ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਰਨ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ, ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਨੂੰ, ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੰਨ ਧਰ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਸੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੱਗ ਲਾ ਕੇ ਥੋਤੋਂ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਉਮਰਾਂ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਿੰਦਾ, ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਦਸਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਦੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਬਾਪ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ 5-7 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋਇਆ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਝੂਠੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੈ ਗਏ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਪੈ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਂ ਕੀ ਪਾਉਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸ ਵੀ ਹੈ, ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਪਰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀਰੋ ਮਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਇਆ,
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ੇੜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਈ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਵੀਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਮਾਸ਼ ਜਾਂ ਗੁੰਡਾ ਕਿਹਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾਮ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਰ ਵਰਗਾ ਪੁੱਤ ਨੇ ਮਾਰਤਾ ਔਰ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦ ਲਏ। 8 ਲੱਖ ਦੀ AK-47 ਖਰੀਦੀ ਬੁਲੰਦਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ ਔਰ ਖਰੀਦ ਕੇ 8 ਲੱਖ ਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਭੇਜਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਪਿਸਟਲ ਫੜੇ ਨੇ ਵੀਰੋ, ਇੰਪੋਰਟਡ ਅਸਲਾ ਸਾਰਾ, ਕੋਈ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਵਾਲੇ ਕਾਨਪੁਰ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। 15-15 ਲੱਖ ਦਾ ਪਿਸਤੌਲ ਹੈ ਇੱਕ, ਜੇ ਮੋਟਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਵੋ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦਾ ਅਸਲਾ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਇਕੱਲੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖ ਨੱਕ ਅਤੇ ਕੰਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਏਡੇ ਏਡੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਰੌਤੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਕੜੀ ਆ ਔਰ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੇ ਸਫੈਦ ਪੋਸ਼ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੋਮਲੈਂਡ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਦੱਲੇ ਹੋਮਲੈਂਡ ਬੜੇ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਅੱਗੇ ਗੰਢ ਧੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਮਲੈਂਡ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਡੇੜੀ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਫ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ। ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਬੜੇ ਕਾਕਾ ਸ਼ਾਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਈਲ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਲੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਦੱਬਣੀਆਂ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰਵਾਉਣੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ 2 ਕਮਰੇ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਣਾ? ਉਹ ਸਕੀਮਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹਿ ਕੇ ਦੱਸੂੰਗਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਬਹਿਣਾ ਔਖਾ, ਖੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਔਖਾ, ਗੋਡੇ ਗੱਪੇ ਦੁਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿਚਾਰੇ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜੋਗਾ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਦੇਊਂਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਬੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਦੂਜੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ DIP ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦਾ AG ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਇਹਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ, ਇਹਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਈ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਜਵਾਕ ਦਾ ਖਤਰਾ ਕਿੱਥੇ ਵੱਗ ਗਿਆ? ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਗਲੀ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁਣਤਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਭੁਗਤਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ 70-70 ਪਰਚੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਟ ਪਰੂਫ ਗੱਡੀਆਂ 200 ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜਵਾਕ ਦੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰਤਾ ਸੀ ਵੀ 8 ਲਗਾੜੇ ਉਹਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 125 ਗੋਲੀ ਫਾਇਰ ਕਰਕੇ ਵਾਗੇ? ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਰਾਹ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਘਰਦਾ ਦੇਣਾ ਬੁੱਢਾ ਬਚ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੁੱਛੀ ਸੀ, ਮਾਰ ਦਿਓ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਪਰ
कसूर तो दस दो भी गलती की करी जाने साड़ी गलती यही है एक गरीब घर चो उठ के थोड़ी पग न 155 मुल्क तक पहुंचती किया थोड़ी जबान उन्हें काले गोरिया ने बोलिया जेडे पंजाबी लैंग्वेज उन्होंने माँ बाप नहीं जानते उतों के बोर्न है पर सिद्धू मूसे वाले जानते भीरो साड़ी पंजाबी बॉलीवुड जिन्होंने आप कह दें म्यूजिक इंडस्ट्री है लगभग 70,000 करोड़ का बजट होंगे साल का और सिद्धू पंजाबी इंडस्ट्री के बराबर एक पंजाबी इंडस्ट्री खड़ी कर गया सी जिदे को अपने कलाकारों की एक वधिया फौज सी ट्रेन जिन्होंने कलैबरेशन काले गोरिया नाल हॉलीवुड नाल सिद्धा तुसीं यकीन मन्नो एक टिब्बियां दा पुत एक सधारण जवाक इन्नी वड्डी सोच रखदा सी कि पंजाबी इंडस्ट्री का सीधा पुल हॉलीवुड से जाके पिलर बन गए सी ताना बाना बोलने बाकी सीगा 2026 तक बलजीत परमार की रिपोर्ट है जून जून से देख लो उन्हें दस्या दे बारे विस्तार नाल 70,000 करोड़ का बजट पंजाबी इंडस्ट्री है ता माहर मानते ने आने वाले 3 साल 50% शेयर सिद्धू ने होने से एक मानसा वर्गे पछड़े हुए जिले में 25 to 30 हज़ार करोड़ के बिजनेस इतने लगते इतने फिल्मों दी शूटिंग होंदियां इतने गाने शूट होंगे साडा होटलिज्म तरक्की करता साडी ट्रांसपोर्ट तरक्की करती किन्ने बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलता ये किसी ने सोचा नहीं भी इस करके मैं सरकार से गिला है वो जिहड़े लोग इंप्लॉयमेंट पैदा करते हैं बेरोजगारी के खिलाफ अपना योगदान पाते हैं थोड़ा खजाना भरते हैं वो उन्होंने तुम चौंकों के कुत्तिया की मौत मार दो आही रोसा है मेरा गवर्नमेंट के नाम अज 3 महीने हो गए मेरे पुत्र की सिक्योरिटी किने वापस ली कि उस अफसर की जवाब तलबी करना भी जिम्मेवारी नहीं बनती वो सजा ना दो मैं भी कहना वो भी बच्चे होंगे मैं किसी जवाक भुखे नहीं मारने चाहता उन्होंने माफ कर दो घट्टो घट बंदा जनतक तौर पर कहता दे भी मेरी गलती ना सिद्धू मरे मैं कहना मैं गलतियां कीतिया मैं करे सी मैं गड्डी सॉरी मैं माफ करना इस गलत रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं जाऊंगा अगे कुछ गलतियां मेरे तो भी हुई कुछ मेरे बच्चे तो भी हुई भी उन्हें आम ही समझ के भी चल कोई नहीं इतनी जाकर मैं कला जाया और असं अपनी जान तो हाथ धो गए कि होर किसी की कोई अदारे की जिम्मेवारी नहीं बनती वो आला अफसर घट्टो घट जिन्हें हुक्म वापस ले और साड़ी सोशल मीडिया के उत्ते सिक्योरिटी वापस लैन की खबर भी जाहिर की वो कोई बंदा भी जिम्मेवार नहीं है तो तुम सादा सबर देख रहे हो मैं गवर्नमेंट के ध्यान च लियानी चाहना गल चाहे सेंटर हो चाहे पंजाब हो थोनू इन गलों के जवाब देने पैणगे नहीं मैं लोगों के बीच जाऊँगा मैं अपने मुद्दे उठाऊंगा इस गल के उत्ते अगे थोड़ा धर्म थोड़ा रब तुम मेरे नाल खड़ जो या मैं पिट दिखा दो इन्ना कुछ कहता होया कोई गल बद घट कह गया हाँ फिर वो माफ़ी चाहना मेरी उम्मीद केवल तो केवल लोग ने जे मेरे नाल कोई खड़े आके तो लोग ने जे किसी ने दुख मनाया तो लोग ने अज 3 महीने हो गए मेरी भी कोशिश है प्रत्येक आदमी जो भी मेरे दर पर पहुंचे कोशिश की आपकी तरफों उन्होंने टाइम देने फिर भी किसी ना कोई बंदा बाहरों कई बार सिक्योरिटी के मद्देनज़र भी कई गल्लां मुलाजम भी मोड़ देंदे कोई बंदे दे इदां दी गल हो गई हो मैं माफ़ी चाहना हाथ जोड़ के क्योंकि तो परिवार अपना बड़ा दूरों नेड़े आउंदे कई बार गलतफहमी हो जाती है जां कोई शक दे दे गल आ जाती है तो यू सख्ती बरतनी पै जाती है तो आप तगड़े होकर लड़ांगे तुम्हें यकीन दवाना इस गल का कुछ मैं सेहत दी प्रॉब्लम आ गई सी पिछले दिन मैं थोड़ा जा पीजी तो चैकअप करवा के थोड़ा जा हूँ ठीक हो हूँ आप एक बार झंडा बुलंद करा जिन्नी गल् मैं थोड़ू सारिया कही
बिल्कुल कले कले शब्द लिख लिने बार ना आप कि चिकर सीटे गल उन्नी करा जिनी आउंदर का कोई शब्द वध घट कह गया हाँ संगत माफ करन योग है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतह। सोच के आया सी मैं जिस दिन का भोग पिया भोग के उत्ते मैं सोशल मीडिया में एक बेनती करी सी कि देखो घर मेरा उजड़ गया हूँ मैनू उजाड़ा झल लैन दो तुसीं विच्चों खबरां वह ना कढ़िया करो भी कोई बंदा यार उहदी घट्टो घट्ट क्वालिफिकेशन उस बंदे दी जानकारी आपां नूं सहज ही पिंड दा पता घरां तों लग जांदा ये बंदे कोले किन्ना क दिमाग है किन्नी क गल सोशल मीडिया दे उत्ते जिहड़े दो जवाक मेरे सिद्धू दे नाल बैठे सी यार उहनां बारे जदों तुसीं टिप्पणियां करदे हो मैनूं बहुत दुख यार एक मेरा भतीजा है मेरे ताए का पुत है एक मेरा गुआढ़ी भी है और असं रिश्तेदार भी हाँ उसके वो न्याणे जवाक सी सिद्धू नूं मिलना आया मुंडा जिहड़ा गुरविंदर है ये बेचारा नौकरी करता प्राइवेट मुलाजम और ये बदली के संबंध के सिद्धू नूं मिलिया कि भाई यार आप कह के मेरी भवानीगढ़ होगी मैं नेड़े करवा दे वो कहना आ जा मानसा चलते ना खा पी के उन्हें तो वो नाल बह गया। दूजा मुंडा पिंक है उन्होंने उन्हें आप फोन बुला के वो लग अक्सर वोटा वेले ही साढ़े नाल जाता होंगे और असी परिवार हाँ फैमिली मैंबर आ सके हैं आपस वो मेरे बच्चे क्यों मारनगे यार हूँ जवाहर कहता एक फौजी है उन्हें अंदाजा लाई जाता इस गल वो ए हो गया जो हम पीरा तुम एडे CBI के माहर ना बनया करो साड़ी घट गई सी मेरी किस्मत हार गई सी वीर जो मेरा परिवार उजड़ गया हुण तुसीं छड़ दिओ इनकुआरियां जे फिर भी तुसीं कोई इहो जिहा तत्थ जानदे हो तो अपना जिहड़ा चलान है खुला पिया है जाओ पुलिस कोले अपनी एविडेंस दर्ज कराओ पर ये बच्चे मेरे अपने ने यार उन्होंने लोग कमेंट करते यार पुलिस वाला गनमैन नाल तुर यार इन्हां दी राखी कदों करदे गदार ने यार ऐ ना कह करो हर एक बंदे की परसनल लाइफ हुंदी है हर एक बंदा सत्कार भाल्दा समाज दे उन्होंने मेरा बच्चा मार के मिलता मेरे बच्चे के सिर से तो उन्होंने पैर थले नहीं लगता सी साडा हैगा भाई सिद्धू नाल साडे ये कमी तो वो साडे नूं वध भी महसूस करते उन्होंने बाहां टुट गई एक तो गोली बज के टुटिया एक उदा भी टुट गई मनोबल के हिसाब नाल भी टुट गई उम्मीदा खत्म हो गई सारिया अगे। सो मेरी इन्नी की बेनती मैं सोशल मीडिया में बेनती करता भी जिन्हें माहर बुला लेने चैनलों के उत्ते फिर वो भोग कर लग जाने वो दोनों बंदे मेरे परिवार के मैंबर ने वो दोस्तों के शामिल दोस्त होंगे कोई अगर फैमिली तो बाहरों बंदा होंगे जो कोई बंदा परिवार चो ना चढ़ के बह गया वो दोस्तों की कैटागरी नहीं आता वो फैमिली मैंबर होंगे। सो सारे वीर थोड़ा संजम वरतो एक थोनों होर मेरी बेनती याद आ कि मैं वो कोई रंगरेटा एक पशु टाइप बंदा है उन्होंने कमेंट ना कराया करो जो क्योंकि तू अपना परिवार बड़ा है आप कमेंट करते हैं यार उन्होंने सड़े हुए बंदे नूं पैसे मिलते हैं तुम वो पेज पर जाके उसकी TRP बढ़ाने हो ऐसे जे बंदे नूं इग्नोर मार दिया वह आगू ली जाता बंदा जात पात की सिद्धू के बारे उसकी उल्टी निकल गई जो फलाना उन्हें बहुत घटिया शब्द वरते हैं पर मैं दस देनी चाहना जो AK-47 का ब्रश्ट बजे ना बड़िया बड़िया की सिटी बोल जाती है मेरे पुतले बाह चढ़ गई हथ खबे आ गया खब्बे अपने पिस्तौल फड़ के सत्त फायर किए ने मेरे मुँह च फिर कोई जाति सूरत शब्द निकल जाता मैं माफ करना शब्दों की मर्यादा थोड़ी जी मैं प्रेस वाले भी नोट करी जाते मैं नहीं तेरी भाषा के बच्चे तुम चंगी तरह समझा सकता जिमें कल एक वीर जरा क्लीन शेव उन्हें तसली कराई भी वो जिमें वो चाहता है और मैं वो कंप्लेट पाऊंगा अज जिन् गल उन्हें करिया ने ना ये पुलिस मैं नहीं कहता जिन्या गोलियां सिद्धू बजिया छाती च बजिया उन्हें पिट नहीं की मौत सामने देख के और अपनी जगह तो छड़ के भज्जिया नहीं उत्थे लुक गया उत्थे लुक गया भी जिन्ना चिर पिस्तौल चलिया चलाया जदों बेहोश होकर डिग पिया तो डिग पिया और तू गल करना बहादरी दिया तू लैके 32 बोर की पिस्तौली असला दिखाता सानू मैं 18 साल का मैं 49 साल का मैं फलाने कोई गल्ला करने वाली जो करता वो
ਡਾਕਟਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਵੀਰੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਜੇ ਤਾਂ ਹਿੰਮਤ ਪੈਂਦੀ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਪੇਜਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਹੁਣ 15-16 ਮਿਲੀਅਨ, ਉਹਨੂੰ 8-10 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗਾਲ ਵੀ ਕੱਢਤੀ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਬਣ ਗਏ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਬੋਲਣ ਹਟੂਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਰੁਪਈਏ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੋਲੂਗਾ ਰੋਜ਼। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਬੂਲ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।